कल्याण जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के सावित्री नगर से बच्चों को जिंदल स्कूल लेकर जा रही बस का झागदरा रोड में एनटीपीसी कार्यालय के पीछे बाइक चालक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस सड़क के नीचे खेत में उतर गई। बलौदाबाजार जिले के उपजेल में रेप के आरोप में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। कैदी को कल ही जेल में दाखिल कराया गया था। कैदी की मौत के बाद से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौत का कारण अज्ञात है। रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर के केवड़ाबाड़ी चौक के सामने स्थित महादेव मंदिर नीलांचल भवन के पास मंदिर और पार्क आए लोगों को सस्ते में मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे एक नाबालिग को पकड़कर उसके पास से चोरी का 6 मोबाइल, सोना पॉलिश लगा ब्रेसलेट और 5,000 रुपए नकद जब्त किया है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पहरिया में फसल काटने वाली मशीन हार्वेस्टर की चपेट में आकर 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। 1 साल के चिराग केवट को सिर पर गंभीर चोट लगी थी। हार्वेस्टर चालक के खिलाफ बलौदा थाने में धारा 304A के तहत केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सिहावा की कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। विधायक पर लाभ के दोहरे पद पर रहने और गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का सदस्य बनाने के नाम पर 32,50,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए पूर्णिमा ठाकुर नामक महिला ने दुर्ग जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसके बाद कोर्ट ने आदेश पर जुलाई में उनके विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी युवक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को भी एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। कांग्रेस युवा नेता प्रभाकर झा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जुनैद नाम के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और प्रभाकर झा सहित राहुल और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ के चकद्दर नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या करने की नियत से प्राण घातक हमला कर फरार होने वाले आरोपी नारायण प्रसाद उराव को चंद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने डीजल चोरी करते पकड़े जाने पर SKS कंपनी के साइड इंजीनियर के सर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया था। रायगढ़ जिले की छाल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम मुनंद में प्रेमदास महंत के मकान की बाड़ी में रखे 2 क्विंटल छड़ चोरी करने वाले आरोपियों सूरज पटनायक, राहुल दास महंत और सोमनाथ चौहान को मुखबिर की सूचना पर पकड़कर चोरी किया हुआ छड़ बरामद कर लिया है। विभिन्न कंपनियों के इनाम का लालच देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्य गिरोह के 9 सदस्यों को सरगुजा पुलिस ने बिहार के शेखपुरा से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अपचारी बालक भी है। आरोपियों द्वारा सीतापुर क्षेत्र की एक महिला से 5 लाख से अधिक की ठगी की गई थी। सरगुजा जिले की अंबिकापुर कोतवाली थाना पुलिस ने छेड़छाड़ एवं चोरी के मामले में फरार आरोपी मनोज लोहार को गिरफ्तार किया है। आरोपी खजूरपारा ब्रह्म रोड अंबिकापुर का रहने वाला है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरगुजा जिले के धोरी टिकरा धान खरीदी केंद्र में सांसद, मंत्री, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि कांग्रेस पदाधिकारियों के बैनर पर फोटो पर किसान द्वारा धान बिछाने व भाजपा पदाधिकारियों के इस पर खड़े होने के मामले ने धूल पकड़ लिया है। मामले में कांग्रेसियों ने बुधवार देर शाम सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पावर प्लांट में सशस्त्र वारदात का मास्टरमाइंड और CACP पुलिस चौकी से फरार होने वाले बदमाश राजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। वह साथी की मदद से जंगल में छिपा था। सहयोगियों यशवंत उर्फ काजू पटेल को भी गिरफ्तार किया गया है।
रायगढ़ जिले की जूटमिल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के देवरपारा निवासी हलवाई साहनी यादव से लूटपाट मारपीट कर फरार हुए दो आरोपी गणेश उर्फ मनीष सारथी और मोहन सारथी को जूटमिल क्षेत्र में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के थाना लैलुंगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भेड़ी मुड़ा के सुवासु पारा में रहने वाला भगत राम अगरिया ने अपनी पत्नी दिलोबाई अगरिया को केवल इतनी सी बात पर डंडे से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया कि उसके मना करने के बावजूद उसकी पत्नी पड़ोस के घर टमाटर मांगने जा रही थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव जिले से लगे गढ़चिरौली के जिम्मलगट्टा में ग्रामीणों ने पुलिस को 20 भरमार बंदूकें सौंपी है। वनांचल क्षेत्र में ग्रामीण इन बंदूकों का इस्तेमाल आमतौर पर शिकार के लिए करते थे। गढ़चिरौली पुलिस PLGA सप्ताह के दौरान पूरे इलाके में जागरूकता अभियान और सर्च ऑपरेशन चला रही है। रायगढ़ से पतंजलि खाद्य पदार्थ लेकर कोरबा जा रहा माजदा वाहन का चालक सख्ती में नेशनल हाईवे ढाबे के किनारे खड़ी कर खाना खाकर सो गया। अज्ञात चोरों ने माजदा से लगभग 3 लाख कीमत का सामान पार्क कर दिया। पुलिस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। जसपुर जिले की बरसदई पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशीली कफ सिरप का बड़ा जखीरा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को बसदई चौकी पुलिस फिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पसला निवासी मंगल रजवाड़े नस्ली दवाई सिरप लेकर रेलवे स्टेशन उचड़ी के पास आया है और बिक्री करके ट्रेन से जाने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर 1.25 लाख रुपए की नस्ली दवा को जब्त किया है। धमतरी जिले के कुरु थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडी में गुरुवार को ढलती शाम लगभग 4 साल का बच्चा आदिसीना अपने घर के पास खेल रहा था, तभी अचानक पीछे से मेटाडोर आई और आदिसीना को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गांव में मातम छा गया और गांव के लोगों में गुस्सा फूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड पर ही आदिसीना के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया।